नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NC केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रेट L2 साइंस से संबंधित टॉपिक परमाणु संरचना, और उसका पार्ट 3 हम आज जो है स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं इसके दो पार्ट बना चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है परमाणु के मॉडल से संबंधित अध्ययन किया था। सेकेंड पार्ट में हमने क्वांटम संख्याएँ देखी थी। उन वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उन वीडियो को वॉच जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना पार्ट 3। तो इस पार्ट में जो हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोश के अंदर उपकोश और उपकोष के अंदर जो कक्षक है किसी भी परमाणु में, उनमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो इसके लिए तीन तरह के नियम जो है होते हैं दोस्तों, और इन तीनों के जो नाम है, फर्स्ट नियम है N+L का नियम, दूसरा नियम है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, और जो तीसरा नियम है हमारा वो है पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। तो हम देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट नियम है हमारे पास N+L का नियम। अब ये नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इसके अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। यानी अगर हमें किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम होगा। फिर दूसरी कंडीशन हम इसमें देखेंगे, अगर हमें दो कक्षक ऐसे दे दिया जाए जिसके लिए N+L का मान समान प्राप्त हो जाए, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में फिल होगा जिसके लिए N का मान कम होगा। जो स्मॉल N है उसका मान अगर कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलिंग करेंगे। इसको हम उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट केस में हमारे पास दो कक्षक हैं, एक तो S उपकोष का एक P उपकोष का, यानी 2S और 2P। इनके लिए हम N+L निकालना चाहते हैं, तो N का मान इसके लिए 2 होगा और S के लिए L का मान, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। इसका अध्ययन आप इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया पार्ट 2 उसको देख कर वहां समझ सकते हैं क्वांटम संख्याओं के द्वारा, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। S के लिए जो है L का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो 2+0=2। और अगर 2P के लिए बात करें तो इसके लिए N कितना है 2, और P के लिए L का वैल्यू कितना होता है 1, यानी इसके लिए L+L आएगा 2+1=3। तो हम देख रहे हैं 2S के लिए 2 आता है वैल्यू, और 2P के लिए N+L का वैल्यू 3 आता है। तो ये नियम यही कहता है कि जिसके लिए N+L का मान कम होगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग 2S में होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में फिल होगा। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2p और 3s है। 2p के लिए निकालेंगे तो n का मान तो 2 होगा, और p के लिए जो है l का मान 1 होता है, दिगंशी का क्वांटम संख्या का। तो यहाँ पर 2+1=3 आ रहा है, इसीलिए 3s में हम देखते हैं तो n का मान तो 3 हो गया, और s के लिए l का मान अगेन 0 ही आएगा, तो 3। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है N+L का वैल्यू 3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे, तो जब N+L सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है जिसमें N का मान कम होता है। ये जो N है, अब N का मान इसके लिए तो कितना है 2 है, और इसके लिए कितना है 3। तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस में होगी, 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। तो इस तरीके से ये N+L का नियम बताया गया। और नेक्स्ट नियम हम देखते हैं, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड वैज्ञानिक था, उसने भी जो है अधिकतम बहुलकता का नियम दिया था। इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, वो क्या है। समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। यानी हम किसी भी कक्षक में, उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अगर भर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर बॉक्स के अंदर यानी कि हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद ही उनमें युग्मन कराना है यानी डबल इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे कि हम कार्बन का उदाहरण देखते हैं, परमाणु क्रमांक 6 और इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 कंप्लीटली फिल, 2s2 कंप्लीटली फिल, 2pt में जो हम फिल करेंगे इस तरीके से 2p2, तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिटल में यानी फर्स्ट कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में भी एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। यानी पहले इन सब बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद युग्मन होगा। तो अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लिए, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक बॉक्स में फिल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है कि इस तरीके से एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं, तो गलत माना जाएगा, ये गलत कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पर सही कंसेप्ट क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्षक के अंदर हमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है।
हम देखते हैं दूसरे टाइप का एक एग्जाम्पल नाइट्रोजन 7 के लिए। नाइट्रोजन 7 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है यानी 1s2 2s2 2p3 यहाँ पर होगा। अगेन 1s2 फुल फिल्ड होगा, 2s2 फुल फिल्ड होगा, लेकिन 2p3 में इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन हमें फिलिंग करनी है हर बॉक्स में, ठीक है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन आता है नंबर 4, वो ऑक्सीजन में आएगा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, तो नेक्स्ट जो तत्व होगा 8 नंबर पे, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट बॉक्स में भरा जाएगा। तो इस तरीके से इस नियम का जो समरी है वो यही है कि सबसे पहले क्या होगा, उपकोष के अंदर जो कक्षक है उनमें हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो रहेगा, और युग्मन तब होगा जब वो सारे बॉक्स फिल हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो युग्मन करेगा। अब लास्ट नियम हम देख लेते हैं, पाउली का अपवर्जन का नियम। पाउली अपवर्जन नियम क्या कहता है? पाउली कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो विपरीत चक्रण के होते हैं। इसने इतनी सी बात कही कि एक कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 2 होते ही है, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, अधिकतम दोनों का चक्रण विपरीत रहेगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक ही कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। 3 का फिर भी हो सकता है, यानी कि एन का, एल का और एम का, मुख्य दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान फिर भी समान हो सकता है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। और चक्रण क्वांटम संख्या और अन्य क्वांटम संख्याएं हमने जो इसका पार्ट 2 है उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को आप देखें वहां जाके। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू अलग अलग होगा, तो हम जैसे हीलियम परमाणु की बात कर रहे हैं, हीलियम और सारणी में परमाणु क्रमांक 2 पे आता है, कौन इसका जो विन्यास होता है वो 1s2 होता है, तो 1s2 के लिए हम एक बॉक्स में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है एक एरो में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और ये दूसरा एरो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एन का मान, ये 1s2 आ रहा है इसलिए एन का मान तो दोनों के लिए 1 होगा, एल का वैल्यू भी 0 होगा क्योंकि एस उपकोष है ये, और एस उपकोष के लिए एल का जो वैल्यू होता है दिगंशी क्वांटम संख्या का मान वो 0 होता है, और जब एल 0 आ जाएगा तो यहाँ पर एम भी 0 ही आएगा क्योंकि एम का मान प्लस एल से माइनस एल तक होता है। लेकिन एस का वैल्यू क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो एस का वैल्यू प्लस हाफ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस का वैल्यू होगा वो माइनस हाफ होगा। हम परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अनुसार हमें कम से कम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इस टेबल को हम देख रहे हैं, इसमें हम परमाणु क्रमांक, तत्व का प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। परमाणु क्रमांक 1 जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है जिसका विन्यास होगा 1s1, यानी n बराबर 1 सबसे पहला कोश है ये, वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। फिर हम देखें परमाणु क्रमांक 2, तो एलिमेंट होगा या तत्व होगा हीलियम HE, जिसका प्रतीक होगा HE, इसका विन्यास होगा 1s2, इसका विन्यास होगा 1s2, यानी कि पहला कोश यहाँ पर फिल्ड हो चुका है 1s2। फिर उसके बाद हम देखें परमाणु क्रमांक 3 जो हमारा आएगा लिथियम, लिथियम को हम बताते हैं Li से, इसका जो प्रतीक होता है Li होता है, और इसमें अब दूसरा कोश बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो 1s2 तो कंप्लीटली फिल्ड है, फिर आ जाएगा 2s1, यानी 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1। फिर हम बात कर देते हैं परमाणु क्रमांक 4 जिसमें आएगा बेरिलियम, जिसका प्रतीक होता है Be, बेरिलियम, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यानी 1s2 2s2 हो जाएगा इसका विन्यास। फिर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 5 जिसमें आएगा बोरोन, बोरोन को बी से बताते हैं। अब यहाँ पर 1s2 फुल हो चुका है, 2s2 फुल हो चुका है, तो नेक्स्ट जो आएगा 2p आएगा, तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन और फिलिंग हो जाएगा, यानी विन्यास हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p1, ये हो जाएगा बोरोन के लिए। फिर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 6 यानी कार्बन के लिए, कार्बन को सी से बताते हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 1s2 2s2 2p2। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन जिसको एन से बताते हैं, इसके लिए 1s2 2s2 और 2p3 इस तरीके से फिलिंग हो जाएगा। ये जो पावर में है ये इलेक्ट्रॉन है यानी 2 और 2 4 और 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं इसमें। इसी तरीके से हम देखें परमाणु क्रमांक 8 यानी ऑक्सीजन जिसको O से बताते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे p में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फिर हम बात करें परमाणु क्रमांक 9
यानी कि फ्लोरीन की, जिसको F से बताते हैं, इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 2p5, ये इसका विन्यास हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक 10 यानी नियोन की। नियोन Ne होती है और ये अक्रिय गैस होती है, यानी किसी तरह की कोई रिएक्शन शो नहीं करती है, ये एटॉमिक फॉर्म में ही स्टेबल होती है, परमाणु रूप में ही अकेली ये रहती है, क्योंकि इसका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। तो ये हो गया 1s2 2s2 और 2p6 इसमें मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं परमाणु क्रमांक 11 सोडियम के लिए। सोडियम को Na से बताते हैं, इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसी पे इसका जो प्रतीक दिया गया है Na। इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। अब n बराबर 2 यानी दूसरा कोष भी पूरा फिल हो चुका है, तो हम तीसरे कोष की तरफ जाएंगे। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन 3s में फिलिंग होगा, यानी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। फिर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 12 जिसमें मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम में हम क्या करते हैं कि जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो नियोन है, अक्रिय गैस, तो हम नियोन को इस तरीके से ब्रैकेट में बता देते हैं। और इसके बाद हम ये थर्ड जो हमारा चल रहा था कोस नंबर थर्ड यानी n बराबर 3 के लिए, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, हम इंक्रीज कर देंगे, तो 3s2 हो जाएगा नियोन के साथ। तो नियोन का हो गया 10 और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 12, 10 और 2 12 यानी मैग्नीशियम। फिर 13 के लिए बात करते हैं परमाणु क्रमांक, प्रतीक होगा Al, नाम होगा एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या होगा, नियोन आ गया 10, फिर 3s2 हमने ऊपर ही फिल कर दिया था, एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा, 3s के बाद 3p में फिलिंग होगी, तो 3p1। फिर 14 की बात करते हैं परमाणु क्रमांक जो होगा 14 यानी 14, यहाँ पर सिलिकन होगा और सिलिकन का प्रतीक होता है Si, यहाँ पर भी वही नियोन और 3s2 3p2। अब पी में फिलिंग होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से 15 की बात करें तो फॉस्फोरस आता है, बताते हैं पी से, और इसमें भी नियोन के साथ 3s2 3p3 कॉन्फिगुरेशन यानी विन्यास पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं 16 की, 16 में आता है सल्फर, सल्फर को S प्रतीक से बताया जाता है, इसमें विन्यास नियोन के साथ 3s2 3p4 होगा। फिर हम बात करते हैं 17, 17 पे आता है हमारा क्लोरीन, जिसको Cl से बताते हैं, इसका विन्यास नियोन के साथ 3s2 3p5 यहां पर हो जाएगा, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और 2 7। फिर हम बात करते हैं 18 की, यहां पर अगेन जो है हमारे पास अक्रिय गैस आ जाती है, जिसको बोलते हैं आर्गन, का प्रतीक होता है Ar। इसमें क्या होगा, वही बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं इसके, इसलिए इसका जो विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 और तीसरे कोष में 3s2 3p6 इसमें पाया जाता है। एक स्थाई अक्रिय गैस ये होती है, क्रिया नहीं करती है। फिर 19 नंबर पे आता है हमारे पास पोटेशियम, जिसको कैसे बताते हैं, पोटेशियम कैसे बताते हैं, और इसमें आर्गन आता है और इसके साथ आर्गन के पूरे जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो तो फिल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और हमें फिल करना है, जो 3p तो फुल फिल्ड हो गया था, क्योंकि p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 कक्षक होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब अगला जो कोष होगा वो आ जाएगा n बराबर 4, तो इसमें ये 4s1 भी आ जाएगा आर्गन के साथ। और फिर 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, जिसको CS बताते हैं, इसमें आर्गन के साथ 4s2 विन्यास हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है परमाणु संरचना का अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ इससे लर्न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप चाहते हैं कि रीट L2 से संबंधित और भी ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त करें और मॉडल पेपर, तो वो मॉडल पेपर भी हमने जो है चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।